यूपी पुलिस ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। एनकाउंटर वाली जगह की वीडियोग्राफी जरूरी है। घटना स्थल की जांच दूसरे थाना की पुलिस करेगी। परिजनों को तत्काल सूचना देनी होगी। अपराधियों के पोस्टमार्टम को लेकर पारदर्शिता जरूरी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइंस जो हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी की गई हैं, और जिस तरीके से लगातार यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, ऐसे में गाइडलाइंस ये जारी की गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एनकाउंटर कर अपराधियों की धर पकड़ कर रही है। पिछले दिनों सुल्तानपुर डकैती और बहराइच हिंसा के बाद हुए एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे। इसके बाद योगी सरकार ने एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइंस में जिक्र है कि एनकाउंटर में किसी अपराधी की मौत या घायल होने पर पुलिस को शूटआउट साइट की वीडियोग्राफी करवानी होगी। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ है इस गाइडलाइंस में, क्योंकि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर पर खूब सियासत हुई, आरोप प्रत्यारोप के दौर जो हैं वो देखने को मिले, और अब ऐसे में ये बड़ा कदम यूपी पुलिस की तरफ से उठाया गया है। बिल्कुल, एसओपीज पहले से ही डिसाइडेड हैं, यानी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो जो मानक है वो पहले से ही तय है कि क्या होने चाहिए, किन परिस्थितियों में आपको रिटेलिएट करना है, और अगर ऐसा एनकाउंटर होता है, यानी उस वक्त तो मौके पर जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ही मौके पर निर्णय लेना होता है। लेकिन अगर ऐसे समय पर एनकाउंटर होता है और सामने वाला जो अपराधी है वो घायल होता है, या फिर गोली वाइटल ऑर्गन पर लगती है, या कुछ और परिस्थितियाँ होती हैं, तो उसके बाद क्या किया जाना चाहिए, इसको लेकर एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसको लेकर ये चर्चा हो रही है। और जो विस्तृत दिशा निर्देश वो ये है कि वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पहले जो शूट साइट है, यानी जहाँ पर जो शूट आउट हुआ वहाँ पर पूरी साइट की वीडियोग्राफी होगी, और फिर उस थाने से नहीं बल्कि किसी और थाने से पूरे मामले में प्राइमरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, इस तरह की घटनाओं के बाद मानवाधिकार आयोग और तमाम जगहों पर अपील होती है, न्यायालय के सामने भी मामला आता है, लिहाजा उसकी एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के जरिए, यानी चाहे वो वीडियोग्राफी हो, एविडेंस कलेक्शन हो, बुलेट के कार्टेजेस हो, ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक लैब भी जाएंगी, और दूसरे थाने में इस पूरे मामले की विवेचना होगी, ताकि किसी तरह का बैलेंसिंग एक्ट का आरोप ना लग पाए बाद में। तो ये अपने आप में एक तरीका है निष्पक्षता का, ताकि निष्पक्षता जो है वो बरकरार रहे। पुलिस पर जिस तरह से आरोप लगे पिछले कई इनकाउंटर्स को लेकर, इस तरह अपराध को रोकने के लिए जिस तरह पुलिस फील्ड पर उतर कर काम करती है और कई बार इस तरह के आरोप लगते हैं, उन आरोपों के सामने ये पुलिस के लिए एक शील्ड का काम करेगी, जब इस तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को अपनाया जाएगा और पारदर्शी तौर पर जांच होगी एनकाउंटर की, जो एविडेंसेज हैं वो सामने रखे जाएंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट के जो एविडेंसेज हैं, यानी बैलिस्टिक रिपोर्ट, किस बंदूक से गोली चली, कितने डिस्टेंस से चली, ये सारी चीज़ें भी उस रिपोर्ट में संलग्न होगी। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो गाइडलाइंस है उसमें ये भी कहा गया कि जिस हथियार से इनकाउंटर किया जाएगा उसे सरेंडर करना होगा, और जो अहम बात यह है कि मामले की जांच जो है वो दो चीज़ें इसमें अहम मुझे नज़र आई, कि एक तो जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ है उस थाने को इसकी जांच नहीं करने की अनुमति है, दूसरा कोई थाना जांच करेगा, और जिन अधिकारियों ने पुलिस के जिन अधिकारियों ने एनकाउंटर किया है उसके एक रैंक ऊपर के अधिकारी इस पूरे मामले की जाँच करेंगे। बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है निष्पक्षता बरतने के लिए, कि अगर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ने एनकाउंटर किया है तो फिर सीओ जांच करेंगे, सीओ ने किया है तो एडिशनल एसपी ने किया है तो जिले के कप्तान ने किया है तो डीआईजी, उसके बाद आईजी, और अगर आईजी मौके पर थे तो उसके बाद एडीजी, तो ये हायरार्की मेंटेन करनी होगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, कई बार एसएसपी भी मौजूद होते हैं इस तरह के ऑपरेशन में, तो उनके ऊपर के अधिकारी को इस पूरे मामले में जांच करनी होगी। तो इसको इसलिए भी बनाया गया है कि पारदर्शिता, आरोप प्रत्यारोप, और कई बार पॉलिटिसाइज हो जाता है मामला तो अलग तरीके के आरोप लगते हैं, तो ये पूरा जो एसओपी है, ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये पुलिस के लिए इन एनकाउंटर्स में शील्ड की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़कर तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली बड़ी खबर बताऊं, जहां राम रहीम बेअदबी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केस